आपको दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान और महीनों तक चला किसान आंदोलन तो याद होगा ही, कुछ वैसी ही तस्वीर एक बार फिर सामने आ रही है यूपी के लखीमपुर खीरी से। 75 घंटों का धरना प्रदर्शन किसानों ने गुरुवार को शुरू किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में राजापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति में अपनी लंबित मांगों के लिए किसानों ने 75 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के कई घटक दल मिलकर कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग को लेकर 18 से 20 अगस्त तक धरना प्रदर्शन कर रहा है। पिछले साल 3 अक्टूबर को जिले के तिकुनिया इलाके में भड़की हिंसा के दौरान लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस धरने के दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने, साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं। इसी के साथ कई और मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान 3 अक्टूबर 2021 की तिकुनिया हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें उनके बेटे आशीष मिश्रा प्रमुख आरोपी हैं। इस बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई अन्य हिस्सों से किसान प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए लखीमपुर पहुंच रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। धरने के दौरान राकेश टिकैत सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। यहाँ के प्रशासन के लिए बोलना चाहते हैं, एक घंटे में प्रशासन जवाब दे दे। उनको कई दिन से कह रहे कि यहां पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था करवा दे। ये जिला कलेक्ट्रेट हर जिले में है, वहां पर भी 75 घंटे के धरने होंगे। यहां एलआईयू इंटेलिजेंस के लोग होंगे, दिमाग अपने ठीक करके बाहर के लोग आ रहे हैं यहां पे जाने। यहां का प्रशासन अपने दिमाग ठीक करके ये काम कर ले, यहां शौचालय और पानी की व्यवस्था करवा दे। और नहीं तो जिला मुख्यालय वहां पे भी है, जितने दिन यहां पे धरना चलेगा जिला मुख्यालय वहां पे भी बंद रहेंगे सब जगह के। यहां एलआईयू के लोग अधिकारी कोई और एक बार यहां पर मंच पर आ जाए। 75 घंटे यहाँ पर हमको रहना है, हम नहीं सुविधा दोगे वो सुविधा हम लेना जानते हैं कि सुविधा कैसे ली जाती है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसानों के आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा था। वहाँ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर कुछ आंदोलनकारी किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देने का आरोप लगा था। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनकी जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इस वक्त वो जेल में बंद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल 26 जुलाई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।